हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज दीपक मेवाड़ा। वेलकम टू आवर ज्योग्राफी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले ये जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक्स है, इसका जो चैप्टर 2 है पॉपुलेशन ग्रोथ डेंसिटी वाला, उसका हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत, यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या है, किससे संबंधित है, इसमें किसकी स्टडी की जाती है, और यहाँ कहाँ इसके द्वारा क्या अप्लाई किया जाता है या किसका उपयोग किया जाता है, इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी जो है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत जो है, वो किसके द्वारा दिया गया। तो ये नॉटेस्टिन महोदय के द्वारा दिया गया था। नॉटेस्टिन महोदय के द्वारा दिया गया, इसमें किसका स्टडी की जाती, किसका पता लगाया जाता है, तो वो देख लीजिए। किसी क्षेत्र की जनसंख्या, यानी कोई सा एरिया है उसकी पॉपुलेशन जो है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या और किसी क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए, यानी उसको डिस्क्राइब करने के लिए, किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, तथा इन फ्यूचर भविष्य की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, पूर्वानुमान के लिए इस थ्योरी का उपयोग किया जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, उसमें कोई सा भी एरिया हो, उसकी जो पॉपुलेशन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी उस क्षेत्र की जनसंख्या का वर्णन करने के लिए, तथा भविष्य में उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी हो सकती है उसका पूर्वानुमान करने के लिए, यानी प्रेडिक्शन करने के लिए यूज इस थ्योरी को किया जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत हमें बताता है कि जैसे ही समाज जो है वो ग्रामीण खेतिहार यानी रूरल एरिया से, ग्रामीण खेतिहार से किधर आ जाता है, खेतिहार और अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरी और औद्योगिक और साक्षर बनता है, तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु की ओर परिवर्तित होने लगती है। मतलब जो समाज है वो ग्रामीण खेतिहार, मतलब रूरल एग्रीएंस और अशिक्षित यानी इलिटरेट स्टेज से जब डेवलप होता है, उन्नति करता है, तो और नगरी यानी अर्बनाइजेशन होता है, कि इंडस्ट्री डलती है और लोग वहाँ पे साक्षर होते हैं, है ना, लिटरेट होते हैं, तो किसी प्रदेश की जो जनसंख्या है, उस प्रदेश की जो पॉपुलेशन है, वह उच्च जन्म और उच्च मृत्यु से निम्न जन्म और निम्न मृत्यु में परिवर्तित हो जाती है। यानी जो पहले जो हाई बर्थ रेट थी और हाई डेथ रेट थी, उससे अब लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है। यह जो परिवर्तन होते हैं, यह कुछ स्टेज में होते हैं जिन्हें हम सामूहिक रूप से जनांकिकी चक्र यानी डेमोग्राफिक साइकिल के रूप में जानते हैं। अब ये देख लीजिए, डेमोग्राफिक साइकिल क्या है। देखो, ये इसका ग्राफ है, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्राफ है, ये एग्ज़ाम में बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ है जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का। ये उतार चढ़ाव की स्टेज बताई रखी है, इसमें 3 स्टेज है हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। देखिए, ये स्टेज फर्स्ट है जिसे हाई यानी उतार चढ़ाव की अवस्था बोला जाता है, और दूसरी अवस्था है विस्तृत होती हुई एक्सपेंशन स्टेज, और तीसरी होती है लो, है ना, निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था। ये 3 अवस्था है, तीनों अवस्थाओं के नाम याद रखना है आपको। पहली स्टेज है उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था, दूसरी होती है हमारी विस्तृत होती है अवस्था, और तीसरी होती है निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था। तो इन तीन स्टेज का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि तीनों स्टेज के नाम क्या हैं, क्योंकि इस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में 3 ही स्टेज है। पहली स्टेज है हमारी उच्च उतार चढ़ाव यानी हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज, दूसरी है
एक एक्सपेंशन स्टेज, एक्सपेंडिंग स्टेज, और निम्न उतार चढ़ाव की अवस्था यानी तीसरी है लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। ये तीन स्टेज के नाम याद होना चाहिए। अब ये ग्राफ को मैं आपको लास्ट में भी समझाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद में। देखो इसमें एक तो बर्थ रेट का ग्राफ है, देख लीजिए आप, ये जन्म दर का इस प्रकार से यहाँ से ग्राफ चल रहा है, इस प्रकार से ये जन्म दर यानी बर्थ रेट का, और इसी में इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये डेथ रेट का भी ग्राफ चल रहा है। तो ये स्टेज फर्स्ट बताई रखी है इन्होंने कि ये यहाँ से यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको ग्राफ चल रहा है इस प्रकार से, ये फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। इस फर्स्ट स्टेज में देख लीजिए आपको बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर सेकेंड स्टेज में बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम हो रही है एकदम, है ना। और थर्ड स्टेज में सब पैरेलल हो गया है, तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देख लीजिए अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का, ये हमने, मैंने आपको बता चुका हूँ इसको। ये देखिए, ये हमें पढ़ा था कि जो समाज है वो हो अशिक्षा और ग्रामीण और खेतिहर अवस्था से, इसका पिक्चर से इसको भी बनाना होगा आपको। देखिए क्या बोल रहा था हमारे जो थ्योरी है कि जैसे ही समाज अशिक्षा, ग्रामीण और खेतिहर अवस्था से शिक्षित नगरी और औद्योगिक सेवा की ओर बढ़ता है, औद्योगिकरण की बढ़ता है, तो वहाँ की जहाँ पहले हाई बर्थ रेट थी यानी उच्च जन्म दर था, उच्च मृत्यु दर था यहाँ पर, तो यहाँ पे लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट यानी निम्न मृत्यु और निम्न जन्म दर हो जाती है। मतलब इनकी जो पहले हाई बर्थ हो रहा था, हाई डेथ हो रही थी, अब यहाँ पर अगर शिक्षित हो जाएगा समाज तो अपने जो जन्म दर है उसको घटा देगा और मृत्यु दर को भी घटा देगा, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ आज इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। ये तो जनांकीय संक्रमण की तीन अवस्था है, ठीक है। यह देखो मूल रूप से यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, यह सिद्धांत मूल रूप से WS थॉमसन ने 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था, 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, जिसे फ्रैंक डब्ल्यू नोटेस्टिन, जो हमने ऊपर नाम पढ़ा नोटेस्टिन, इन्होंने 1945 यानी 1945 ईस्वी में से संशोधित करके जो साइंटिफिक रूप होना चाहिए, वैज्ञानिक रूप होना चाहिए, वो प्रदान किया। इस कारण से नोटेस्टिन को जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। इन दोनों ने, एक तो थॉमसन महोदय ने और किसने, नोटेस्टिन महोदय, इन दोनों ने यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसका आधार बनाया था। मतलब इसको इनकी स्टडी करके जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते, देखिए फर्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं हम। देखिए फर्स्ट स्टेज क्या बोलती है, फर्स्ट स्टेज और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। प्रथम अवस्था देखिए, फर्स्ट स्टेज जिसे हमने हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज यानी उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था, इसे याद रखिएगा। और भी अनेक नाम है लेकिन आप इसको मेनली इस प्रकार से रखें, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज जो आपके ग्राफ में भी बनी हुई, जो ऊपर हमने देखा है। प्रथम अवस्था जो है पूर्व आधुनिक औद्योगिक से पूर्व की अवस्था है, मतलब ये जो स्टेज है जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता उस टाइम की अवस्था है, और उच्च स्थायी अवस्था के रूप में भी जाना जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देख लीजिए जनांक, इसकी विशेषताएँ देख लीजिए क्या है, इसमें क्या होता है इस स्टेज में, इसमें उच्च प्रजननशीलता यानी जन्म दर जो होती है और मृत्यु दर जो होती है यानी बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ही क्या रहती, हाई रहती है। मतलब जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है। जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से होती है, मतलब जनसंख्या होती तो है, पॉपुलेशन ग्रोथ होती तो है, लेकिन वो क्या होती है, धीमी गति से होती है या फिर स्थिर हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेज, क्योंकि हाई बर्थ हो रहा है और जितने जन्म ले रहे उतने ही क्या हो रहे हैं, उनकी डेथ भी हो रही है, हाई डेथ रेट भी है इसमें, ठीक है। जीवन की जो संभाव्यता और जीवन प्रत्याशा जो है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो निम्न होती है, लो होती है, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है व्यक्तियों की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है, बर्थ रेट है मतलब बीमारियों के कारण लोग मर भी रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उम्र तक नहीं जी पाते हैं, ठीक है, इसलिए लो एक्सपेक्टेंसी होती है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा होती है वो निम्न होती है, लो होती है, ठीक है। आगे क्या लिखा है,
अधिकांश लोग क्या होते हैं इस अवस्था में, अशिक्षित होते हैं, मतलब ग्रामीण खेतिहर से है, मतलब कोई मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं है, ना ही एजुकेशन है। तो इस अवस्था में फर्स्ट स्टेज जो है हमारी, इसमें लोग अशिक्षित होते हैं। ज़्यादातर लोग जो होते हैं गाँव में रहते हैं, यानी विलेज एरिया में रहते हैं, और शहर का विकास क्या होता है, नहीं के बराबर होता है। लोगों का जो व्यवसाय है, जो लोगों का व्यवसाय है वह क्या है, प्राइमरी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, यानी प्राइमरी एक्टिविटीज़ यानी प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित होती है, जैसे भोजन संग्रह यानी गैदरिंग, आखेट, पशुपालन, कृषि इत्यादि ये होती है। मतलब इसमें लोग जो होते हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे होते हैं, कार्य कर रहे होते हैं, जैसे हंटिंग, गैदरिंग और एग्रीकल्चर इटीसी। ठीक है, लोगों का व्यवसाय प्राइमरी एक्टिविटी से रिलेटेड होता है। और क्या होता है, देखिए इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता है इस स्टेज में, इसलिए क्या होती है, यहाँ पर एपिडेमिक्स जो होती है, महामारी है, वो बढ़ जाती है। अकाल है, भोजन की अनिश्चितता, मतलब फूड का प्रोडक्शन इतना नहीं होता कि लोगों को सभी को मिल सके, भोजन की अनिश्चितता अधिक रहती है। प्रौद्योगिकी जो है, आईटी डेवलपमेंट है, वो वेरी लो होता है, इसका प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न होता है। परिवार का जो आकार होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि कोई परिवार नियोजन संबंधी जो है उसमें कोई भी जागरूक नहीं होते। स्वास्थ्य संबंधी जो मेडिकल फैसिलिटी है वो उनका पूर्ण अभाव होता है, इसलिए लोग क्या होते हैं, इनकी इसमें हाई बर्थ रेट, डेथ रेट होती है, क्योंकि लोग जल्दी क्या होते हैं, मरने लग जाते हैं, उनकी डेथ होने लग जाती है। और ये जो स्टेज है, यह लगभग 200 वर्ष पूर्व जो है, 200 वर्ष पूर्व सभी जो देश थे वो इसी अवस्था में थे। ये बोल रखा है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व विश्व के सभी देश इसी अवस्था में थे। वर्तमान समय में विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों हाई है, मतलब जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु भी ज़्यादा हो रही है, लगभग 40 व्यक्ति प्रति 1000 के आसपास। तो 200 वर्ष पूर्व की स्टेज के बारे में हमने पढ़ा है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की फर्स्ट स्टेज, जिसे हम हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज यानी निम्न उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था कहते हैं। इसमें हाई बर्थ रेट होता है और हाई डेथ रेट होता है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि नी के बराबर होती है, स्थिर हो जाती है, फर्स्ट स्टेज है, लोग अशिक्षित होते हैं, है ना। अब हम सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, सेकेंड स्टेज देख लीजिए। सेकेंड स्टेज जो है हमारी, दूसरी अवस्था जो है, यह एक्सपेंडिंग स्टेज है। एक्सपेंडिंग स्टेज मतलब इसमें जनसंख्या वृद्धि बढ़ती है, मतलब जनसंख्या का एक्सप्लोशन होता है, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट होता है। जनसंख्या विस्फोट का मतलब है बहुत ज़्यादा जनसंख्या का एकदम बढ़ जाना। ठीक है, अब देखिए इस अवस्था में, इस अवस्था को विस्फोटक अवस्था यानी एक्सपेंडिंग स्टेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, औद्योगिकरण की अवस्था, मतलब इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, उद्योग विकसित हो जाते हैं, है ना। इस अवस्था के की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो देख लीजिए। देखिए सेकेंड स्टेज जो है, इस सेकेंड स्टेज में, इस दूसरी अवस्था में प्रारंभ में तो क्या होता है, उच्च जन्म दर होता है। जैसे हमने ग्राफ पढ़ा था, ये उच्च जन्म दर का ग्राफ था और ये निम्न जन्म दर का ग्राफ, ये हाई बर्थ रेट और ये लो बर्थ डेथ रेट, ये इस प्रकार से ग्राफ पढ़ा था सेकेंड स्टेज में हमने ग्राफ में ऐसा। ठीक है, मतलब यहाँ इस अवस्था में जन्म दर जो है हाई बर्थ होता है, मतलब शुरू में प्रारंभिक अवस्था में क्या है, इस अवस्था के प्रारंभ में हाई बर्थ होता है, फिर धीरे धीरे बर्थ कम होने लग जाती है, और जो डेथ रहती है, डेथ होती है वो एकदम क्या हो जाती है, घट जाती है, मतलब डेथ होना कम हो जाता है, क्योंकि लोगों ने अपनी मेडिकल फैसिलिटी को इम्प्रूव कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को नहीं रोका है, तो इसलिए यहाँ पर जन्म ज़्यादा हो रहे हैं और मृत्यु एकदम कम हो गई है, इसलिए जनसंख्या बढ़ रही है, मतलब लोग मर कम रहे, है ना, और जन्म ज़्यादा ले रहे, तो इस कारण से इसमें जनसंख्या की क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि होती है, नेचुरल ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की। ठीक है, देखिए दूसरी अवस्था में हाई जन्म दर बना रहता है, है ना, हाई बर्थ रेट बना रहता है, उच्च जन्म दर बना रहता है, किंतु समय के साथ धीरे धीरे, ये समय के साथ धीरे धीरे देखिए कैसा होता है, घटता जाता है। इस अवस्था का प्रारंभ मृत्यु दर के हाथ से होता है, देखिए यहाँ से मृत्यु दर का जो ग्राफ है एकदम नीचे से घटता है, है ना, मृत्यु दर यानी जो डेथ रेट है वो अपने आप घटती जा रही है। ठीक है,
डेथ रेट का जो ग्राफ है यहाँ से शुरू से ही घटता है इस प्रकार से। इस अवस्था के मध्य में जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर होने के कारण देखो ये जन्म दर और ये मृत्यु दर ये बीच में इनके इनके बीच में कितना डिफरेंस है आपको दिखाई दे रहा होगा है ना। तीव्र जन्म दर और मृत्यु दर में अधिक अंतर होने के कारण जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती मतलब एक्सपेंडिंग स्टेज है पॉपुलेशन की। इस कारण इस अवस्था को जनसंख्या का विस्फोटक अवस्था कहा जाता है मतलब एक्सपेंडिंग स्टेज पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग स्टेज कहा जाता है। अब क्या होता है स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाओं का विकास है स्वास्थ्य संबंधी जो भी सुविधा है उनका विकास हो जाता है। स्वच्छता में क्या हो जाता है सुधार हो जाता है और मृत्यु दर में क्या हो जाती है कमी आ जाती है मृत्यु दर में कमी आ जाती है मतलब लोग कम मरते हैं सेकेंड स्टेज में ठीक है। अब देखिए इस अवस्था में कार्यशील जनसंख्या जो सेकेंड स्टेज कार्यशील जनसंख्या यानी वर्किंग पॉपुलेशन जो है उनका प्रतिशत हाई रहता है क्योंकि युवा ज़्यादा होते हैं और मरने वालों की संख्या भी कम होती है तो बुजुर्ग भी ठीक है लेकिन कार्यशील जनसंख्या जो काम करने वाली जनसंख्या है वो अधिक रहती है। इस अवस्था को संक्रमण की ट्रांजिशन की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड थर्ड स्टेज के बीच का बीच की स्टेज है इसलिए से संक्रमण यानी ट्रांजिशन स्टेज भी कहा जाता है ठीक है। अब तृतीय अवस्था पे हम नज़र डाल लेते हैं। देखिए तृतीय यानी थर्ड स्टेज क्या कहती है तृतीय अवस्था जो होती है इसमें क्या होता है दोनों का ग्राफ बर्थ रेट और डेथ रेट यानी जन्म दर और मृत्यु दर का ग्राफ पैरेलल के जैसा हो जाता है। तृतीय अवस्था को पश्चिमीकरण की अंतिम अवस्था या निम्न स्थायी की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें औद्योगिकरण के बाद मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद की अवस्था है मतलब औद्योगिकरण वो डेवलप हो गया उसके बाद में और ज़्यादा डेवलपमेंट की बात इसमें कही गई। इस अवस्था ये इस स्टेज की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इस प्रकार से देखिए इस स्टेज में जो बर्थ है यानी जन्म दर है और मृत्यु दर दोनों निम्न हो जाती है मतलब मैंने कहा ना कि दोनों पैरेलल हो जाती है ना तो जन्म ज़्यादा हो रहे ना मृत्यु ज़्यादा हो रही है ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही निम्न हो जाती है मतलब जो समाज है वो अशिक्षा से अब क्या है शिक्षित हो गया है। पहले ग्रामीण था फर्स्ट स्टेज में अब थर्ड स्टेज में क्या हो गया है वो शिक्षित होने के कारण औद्योगिकरण नगरीकरण में आ गया है तो वहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं इसलिए उन्होंने अपनी जो बर्थ रेट है वो कम कर लिए मतलब हम दो हमारे दो नारे जैसे जो स्लोगन हैं इनको प्राथमिकता दे दी है। और मृत्यु दर क्यों कम हो गई है क्योंकि मृत्यु दर इसलिए कम हो गई क्योंकि इन्होंने अपनी मेडिकल फैसिलिटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है तो इसमें दोनों ही घट जाते हैं। जहाँ हमने पढ़ा था कि फर्स्ट स्टेज में दोनों ही हाई रहते जन्म दर और मृत्यु दर अब यहाँ पर दोनों ही क्या हो जाते दोनों ही निम्न हो जाते लो हो जाते जन्म दर और मृत्यु दर या 5 व्यक्ति प्रति 1000 से भी कम हो जाता है ठीक है। आगे क्या लिखा है जनसंख्या वृद्धि रुक जाती है मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाती है रुक जाती है या निम्न स्थायित्व को प्राप्त कर लेती है मतलब बढ़ती है तो फिर इतनी कि अपने को समझ में नहीं आता है कि पॉपुलेशन अब बढ़ रही है मतलब हालांकि जनसंख्या धीमी गति से बढ़ती है जो हमें नज़र नहीं आती है पर स्थिर हो जाती है जनसंख्या की वृद्धि जो होती है वो स्थिर हो जाती है। अब क्या लिखा जीवन संभाव्यता जहाँ हमने फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई होती है कब लो होती है सॉरी जीवन प्रत्याशा जो होती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस अवस्था में थर्ड स्टेज में उच्च हो जाती मतलब लोग जो है उनकी उम्र बढ़ जाती है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव होने के कारण वो किसी भी केसेस को हैंडल कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव नहीं थी फर्स्ट स्टेज में इसलिए वहाँ पर जीवन प्रत्याशा निम्न थी और जीवन प्रत्याशा हाई किस में हो जाएगी हमारी थर्ड स्टेज में। नगरी जनसंख्या का परसेंट क्या हुआ बढ़ जाता है फर्स्ट स्टेज में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा थी लेकिन अब यहाँ पे नगरी जनसंख्या क्या हो गई ज़्यादा हो गई हमारी ठीक है। नगरी जनसंख्या का परसेंट बढ़ जाता है जीवन संभाव्यता और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है ये हमने पढ़ी लिया है मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी लोगों की उम्र बढ़ जाती है। साक्षर जहाँ पर फर्स्ट स्टेज में पढ़ा था कि लोग साक्षर नहीं होते निरक्षर होते हैं या ना इलिटरेट होते हैं यहाँ पर लिटरेट हो जाते हैं साक्षर दर में सुधार हो जाता है सुधार होता है। औद्योगिक विकास जो है इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो हो जाता है अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट हो जाता है ये क्रियाएँ तेज़ी से होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जहाँ पर पहले फर्स्ट स्टेज में प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो कर रहे थे हंटिंग गैदरिंग या फिर एग्रीकल्चर अब लोग जो है सेकेंडरी या टर्सरी यानी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएँ जैसे परिवहन संचार सेवाएँ इनमें भी संलग्न हो जाते हैं इनका परसेंट बढ़ जाता है।
और लोग क्या होते हैं, जागरूक हो जाते हैं इस स्टेज में, इसलिए परिवार नियोजन के जो साधन हैं उनको अपनाने लगते हैं और परिवार का जो साइज़ है, आकार है, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है। जनसंख्या यानी हम दो हमारे दो नारे को प्राथमिकता देने लग जाते हैं लोग, क्योंकि शिक्षित हो गए। जनसंख्या का जो आकार है बेटा, वो घनत्व जो है अधिक होता है। वर्तमान समय में विश्व के जो विकासशील देश है, जैसे विकासशील देश मैंने डेवलपिंग कंट्रीज है ना, विकासशील देश, ये जैसे हमारा भारत भी डेवलपिंग कंट्री है, वो इस आएगा। तो भारत जो है, भारत है ना, चीन है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, मेक्सिको है, इस अवस्था में है। मतलब ये जो कंट्रीज है ये थर्ड स्टेज में, अगर हम पूछा जाए कि भारत किस स्टेज में है तो किस अवस्था में है, थर्ड स्टेज में है। चाइना जो है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, मेक्सिको है, इस अवस्था के अंतिम चरण में है। जबकि अधिकांश इस्लामिक देश इसके प्रारंभिक अवस्था में है। मतलब इसके फर्स्ट इस थर्ड स्टेज के प्रारंभ में स्टार्टिंग में आए, द्वितीय अवस्था के मध्य में जो सेकंड स्टेज थी उसके मध्य में श्रीलंका, पेरू और चिली इत्यादि देशों के नाम आते हैं। तो ये आज हमने और इसमें देखिए भोजन की अनिश्चितता है जो क्या होती है, वो खत्म हो जाती है। मतलब लोग अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाते हैं, ठीक है। भोजन की अनिश्चितता, अकाल समस्या का लगभग समाप्त हो जाती है। पहले स्टेज में अकाल की थी, बीमारियां थी, प्रौद्योगिकी का स्तर हाई हो जाता है और जो परिवार का आकार है और एकल तथा छोटा हो जाता है। साक्षरता है यानी लिटरेट ज़्यादा हो जाता है। शिक्षा का स्तर उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। श्रम विशिष्टीकरण उच्च होता है, मतलब ऐसे अकुशल श्रमिकों का अभाव हो जाता है और सभी जो श्रमिक होते हैं वो कुशल होते हैं, किसी न किसी कार्य को जानते हैं। अधिकांश विकसित देश इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे यूरोप के अधिकांश देश, फ्रांस, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड इत्यादि जो है, उत्तरी अमेरिका, यूएसए, कनाडा, एशिया में जापान जो है, सिंगापुर जो है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो है, या इस अवस्था में आते हैं। इस प्रकार से हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को अच्छे से देखा है। इस तरह से हम देखते हैं कि कोई भी समाज प्रारंभिक काल से यानी अपने पहले वाले समय से प्रारंभिक काल से वर्तमान समय तक जनांकी की अवस्था हो यानी डेमोग्राफिक स्टेज से गुजरते हुए, ट्रांजिशन स्टेज से गुजरते हुए आगे बढ़ता है। सिद्धांत से सभी देश अपने आप को आकलित करते हैं और भविष्य की जनसंख्या को क्या करते हैं, पूर्वानुमान करते हैं कि अब हमारा भविष्य में हमारे देश की, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कैसे होगी। तो आज हमने स्टूडेंट्स देखा कि जो जनसंख्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, वो किस प्रकार से हुआ है ना। अब इस ग्राफ को एक बार और आप देख लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या हुआ है ना। जो ग्राफ हमने देखा है ये वाला फर्स्ट, जो ये वाला ग्राफ है इसको स्टडी करना। देखिए यहाँ पे हमने स्टडी करी थी कि जो हमारा ये ग्राफ है, फर्स्ट स्टेज के बारे में पढ़ा था हमने। देखिए फर्स्ट स्टेज हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेज जो थी, उच्च उतार चढ़ाव की अवस्था, ये फर्स्ट स्टेज। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर का जो ग्राफ है वो इस प्रकार से चल रहा है। मतलब दोनों हाई है इसलिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि लो थी, मतलब जनसंख्या जो है उसकी वृद्धि कम हो रही थी। लेकिन सेकेंड स्टेज में हमने पढ़ा था कि सेकेंड स्टेज में जो है जनसंख्या वृद्धि, जो सेकेंड स्टेज जो पॉपुलेशन एक्सपेंडिंग स्टेज विस्तृत होती है, एक्सपेंडिंग स्टेज है, इसमें इसके प्रारंभ जैसे आती है सेकेंड स्टेज, इसके प्रारंभ में हाई बर्थ रेट होती है लेकिन बर्थ रेट धीरे धीरे गिरती है और यहाँ पर डेथ रेट पहले से ही ज़्यादा होती है ना, इसलिए यहाँ पर जो है लोग डेथ रेट जो होती है वो कम होती है। मतलब डेथ रेट कम होने के कारण और यहाँ पर जन्म दर ज़्यादा होने के कारण जनसंख्या की प्राकृतिक नेचुरल ग्रोथ होती है। और थर्ड स्टेज आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये थर्ड स्टेज में सभी फेरेलर हो जाते हैं, मतलब ना तो जन्म ज़्यादा होता है ना ही मृत्यु ज़्यादा होती है, इस कारण से इसमें जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो जाती है या होती है तो धीमी गति से होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने हमारा ये आज का जो थ्योरी है जनांकी के संक्रमण सिद्धांत ये देखा। आई होप कि मुझे आपको ये जनांकी संक्रमण सिद्धांत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को दो तीन बार देखें तो आपको ऐसे ही देखकर ही आप बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।